वर्ल्ड कप शुरू होने में बस कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से एक बहुत बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज और ओपनर डेविड वार्नर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, इस साल दिसंबर से जनवरी के बीच में पाकिस्तानी टीम दौरा करेगी ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें कि 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इन 3 टेस्ट मैच की जो सीरीज है उसका पहला मैच खेला जाएगा 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक। तीसरा और लास्ट जो टेस्ट मैच है वो शुरू होगा 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक। तो ये जो 3 टेस्ट मैच है, इन 3 टेस्ट मैचों को खेलने के बाद डेविड वार्नर जो है वो संन्यास ले लेंगे टेस्ट क्रिकेट से। वनडे और T20 मैच खेलते रहेंगे पहले की तरह, बाकी ये टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, यानी कि ये पूरी तरह संन्यास ले रहे हैं टेस्ट मैच से। तो अगर इनके टेस्ट करियर पर नजर डाला जाए तो इन्होंने अपने टेस्ट करियर में 109 टेस्ट मैच खेले हैं और 8487 रन बनाए हैं। इनके नाम पे 25 शतक और 36 अर्धशतक हैं। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इनका है 335 रन, हाईएस्ट स्कोर है। 4 विकेट भी लिया है इन्होंने टेस्ट मैच में। तो अभी देखने वाली बात यह है कि जब ये अपना टेस्ट करियर खत्म करेंगे तो इनका जो हाईएस्ट रन है 335, ये इसको तोड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी के नाम पे अगर जितने भी रिकॉर्ड हों वो रिकॉर्ड काफी छोटे ही लगते हैं, क्योंकि इनका कद इतना बड़ा है। डेविड वार्नर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पूरी दुनिया से ही प्यार मिलता है।